नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर मौजूद दुकानों में मालिक के नाम की नेम प्लेट लगाने को लेकर विवाद थमता ही नहीं नजर आ रहा है। ये मामला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ था, जिसके बाद योगी सरकार के आदेश देने के बाद ये पूरे प्रदेश में लागू हो गया था। इस आदेश के खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से शुक्रवार तक जवाब मांगा था और राज्यों के दबाव देने तक इस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस मामले में अगली सुनवाई आज 26 जुलाई को होगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नेम प्लेट विवाद पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था और इस पर शुक्रवार यानी 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा था, जिस पर जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह फैसला सौहार्द और शांति बनाए रखने के लिए लिया गया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का यह निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया था कि गलती से भी कांवड़ियों की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो और शांति सुनिश्चित की जा सके। सरकार ने कहा कि यह आदेश इसलिए लागू किया गया था जिससे गलती से भी कांवड़िये किसी दुकान से कुछ ऐसा ना खा ले जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो। कांवड़ियों को परोसे जाने वाले खाने पीने की चीजों के संबंध में छोटे छोटे भ्रम भी उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं और भड़क सकते हैं। मुजफ्फरनगर का जिक्र करते हुए सरकार ने कोर्ट को दिए जवाब में कहा कि मुजफ्फरनगर जैसे सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है, जहां खाने को लेकर भ्रम पैदा हुआ जिससे गलत फहमियों के कारण तनाव और गड़बड़ी हुई है। ऐसे हालात फिर से पैदा ना हो, इसीलिए नेम प्लेट आदेश दिया गया था।